नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के 86 में और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में पुलिस बनने का सपना देख रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर। जी हां, स्टेनो एएसआई का यहां रिक्रूटमेंट निकाला गया है। दोस्तों, जो भी दरोगा बनना चाहते हैं उनके लिए बीपीएसएससी एक नया एग्जामिनेशन लेकर आई है, नई भर्ती लेकर आई है स्टेनो एएसआई के लिए। अब इसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट था इस रिक्रूटमेंट के लिए, वो मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको सारे बता दिए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में उसका मैंने इंड स्क्रीन पे वीडियो का लिंक भी दे दिया है, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद मैंने उस वीडियो में ये बताया था कि सिलेबस का जो है वीडियो आपको मैं बना के दूंगा और आपके हर एक डाउट को क्लियर करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर रहे थे कि भैया इसका सिलेबस क्या होगा, इसका कंप्यूटर में क्या सर्टिफिकेट मांग रहा है या स्टेनो के लिए सर्टिफिकेट मांग रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर कर दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से और स्ट्रेटेजी इस वीडियो के अंत में बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना होगा कि आपका यहाँ से सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि यहाँ वैकेंसी बहुत कम है, 133 पदों की ही वैकेंसी है। और लेकिन स्टेनो के लिए स्टूडेंट भी कम होते हैं, इसलिए घबराना नहीं है, स्ट्रेटेजी अपना ऐसा बनाना है कि यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो सके। चलिए एक सीट मान के चलिए कि आपका है तो जरूर सिलेक्शन होगा, लेकिन अगर 133 सीट का सोचिएगा कि बहुत कम सीट है तो कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए स्ट्रेटजी है पॉजिटिव लेकर चलना अपने को, ठीक है। चलिए दोस्तों, लेकर चलते हैं इसकी अपडेट पे। इसके मैंने जो सिलेबस का पैटर्न है वो पूरा आपको यहाँ पे दिया है, इस पूरे वीडियो को देखिएगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। ये वो वीडियो है, आप देख सकते हैं जाके, ऑफिशियली अपडेट किया गया है यहाँ पर आपको, यहाँ एजुकेशन के 86 के इस प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, 4 मार्च यानी कि कल से इस फॉर्म को आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इस वीडियो को जाकर अभी देख लीजिए, ज़्यादा देर मत कीजिएगा। दोस्तों, इसके सिलेबस की बात करें तो ये इसका पैटर्न है। पहले मैं इसका पैटर्न समझा देना चाहता हूँ आपको कि जो बिहार पुलिस है स्टेनो एएसआई का रिक्रूटमेंट निकाली है और बिहार पुलिस एसएससी स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के नाम से ये पोस्ट है। इसके लिए आप इसका जो नोटिफिकेशन है आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप बीपीएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके, या फिर आप मेरे टेलीग्राम पर जाके देख सकते हैं। इसका मैंने पीडीएफ भी दे दिया है, वहाँ पर आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए, जो कि यहाँ पे बताया गया है इन सब चीज़ों को, और इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। कब से कब तक? तो आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों 4 मार्च से लेकर 30 मार्च तक। एडवर्टाइजमेंट नंबर कितना है? तो 1/2020 है। तो ये इसका रिक्रूटमेंट का सारा न्यूज़ था जो कि मैंने पिछले वीडियोज़ में दिए भी थे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम होगा वो इन श्रेणियों में होगा। पहला तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा आपका, प्रीलिम्स एग्जाम का सिलेबस मैं बताऊंगा आगे, अभी वीडियो में बने रहिएगा। उसके बाद मेंस एग्जाम होगा, इसका भी सिलेबस बताऊंगा अभी आपको। उसके बाद दोस्तों हिंदी श्रुति लेखन होगा, यानी कि आपका जो, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके पूछ रहे थे कि जो स्टेनो का टाइपिंग है वो इंग्लिश में भी होगा कि हिंदी में ही होगा, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ आपका जो श्रुति लेखन होगा वो हिंदी श्रुति लेखन होता है, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे हिंदी वाला ही टेस्ट देना है स्टेनो का, ठीक। टंकन जांच होगी आपकी, और ये टंकन जांच होगी कहाँ पे आपकी? तो कंप्यूटर पे। और ये जो टंकन जांच होगी ये दोस्तों होगी आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अब यहाँ से कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो टंकन जांच है दोस्तों ये कहाँ होगी? तो आपके, नोट कर लीजिएगा, आपके कहाँ होगी? कंप्यूटर पे। टंकन जांच की बात करो तो, अगर स्टेनो की बात करें तो सिर्फ हिंदी में आपका स्टेनो चेक होगा। अब इसके बाद आगे सवाल मत कीजिएगा आप लोग यहाँ पे कि इंग्लिश में होगा कि हिंदी में होगा, ये सारा चीज़ यहीं पे क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। इसका मैं बताऊंगा कि स्पीड वगैरह क्या होनी चाहिए आगे, जब इसका पूरा पैटर्न बताऊंगा तो उसमें बता दूंगा, ठीक है। अगला है कि कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज किस किस सेक्टर में होना चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट में आपको होना चाहिए, ये भी बताऊंगा आगे चल के सिलेबस वाले पैटर्न पे। तो ये हमारा सिलेक्शन प्रोसेस का पूरा सिनारियो है। प्रीलिम्स, मेंस, श्रुति लेखन हिंदी में होगा, टंकन की जांच कंप्यूटर पे होगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, और कंप्यूटर नॉलेज ये आपको होना चाहिए, जैसे कि एमएस ऑफिस हो गया या ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये मैं सारी चीज़ें बताऊंगा किस किस में होना चाहिए आपको, है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रीलिम्स एग्जाम को देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम पे, जो उसका पैटर्न समझते हैं कि किस तरह का आपका ये पैटर्न होगा। वीडियो देखो लंबा हो जाएगा, लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, एक एक क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे यहाँ से, ठीक है। प्रीलिम्स एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न होगा दोस्तों, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, बिल्कुल 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और 100 क्वेश्चन होंगे, यानी कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा।
टाइम ड्यूरेशन आपको हाफ एन आवर का टाइम यानी कि 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा इस एग्जाम को देने के लिए 100 क्वेश्चन का। दोस्तों क्वेश्चन होगा जो आपका वो क्या होगा, तो पेपर बेस्ड होगा, पेपर बेस्ड यानी कि OMR सीट बेस्ड होगा, और जो भी आपके करंट के इश्यूज से रिलेटेड होंगे वो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, आपके जनरल नॉलेज और करंट इश्यूज के क्वेश्चन हो सकते हैं। यहाँ पे मैं सिलेबस बताऊंगा अभी, आगे बात करेंगे जब। तो यहाँ पे दोस्तों निगेटिव मार्किंग रखा गया है 0.2 मार्क्स, ठीक है, एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 0.2 मार्क्स आपके कटेंगे, तो ज़्यादा निगेटिव नहीं है, जैसे कि 0.25 कटता है तो 1/4 कट जाता है, तो यहाँ पे 0.2 मार्क्स ही कट रहे हैं आपके, ठीक है। अब जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 30% होना चाहिए, यानी कि जो प्रीलिम्स में आपने 100 नंबर का पेपर दिया तो 30% यानी कि मार्क्स आपका आना चाहिए, यानी कि 30 नंबर कम से कम आएगा तभी आप क्वालिफाइंग होगे क्या जी, हाँ, मेंस पेपर के लिए, ठीक है। तो समझ रही है ना चीज़ों को, प्रीलिम्स में आपको 30% लेकर आना है, 30% करने का मतलब है कि 100 में कम से कम 30 आना चाहिए आपका, लेकिन 30 पे सीमित मत रहिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे जो मेरिट बनेगा ना वो 30% वालों का नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 6 गुना ही आपसे रिक्रूटमेंट बुलाया जाएगा, तो 30 नंबर लेकर आइएगा तो थोड़ी ना आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नंबर कम से कम आपको 70 एबव लेकर आने होंगे जी हाँ, तभी आपको ये 6 गुना के रिजल्ट में शामिल किया जाएगा। बस यहाँ पे ये तो पासिंग क्वालिफाइंग बोल दिया गया कि 30% मार्क्स होना चाहिए। चलिए सिलेबस के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग प्रीलिम्स के। तो पहला है सिलेबस यहाँ पे जनरल नॉलेज का, दोस्तों जनरल नॉलेज का सिलेबस होना अनिवार्य है, जीके पढ़ना अनिवार्य है। अगर देखिए स्ट्रेटजी भी मैं बताते चल रहा हूँ कैसे पढ़ना आपको, अगर आप लोग हमारे साथ बिहार कांस्टेबल की तैयारी में लगे हुए हैं, YT एजुकेशन जो हमारा चैनल है, ठीक है, वहाँ पे जाइए सब्सक्राइब कीजिए, लगातार जो आपको बिहार कांस्टेबल के लिए और साथ साथ बिहार SI के लिए जो आपको मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं उस मॉक टेस्ट को अटेंड करें, लगातार क्वेश्चन दिए जा रहे हैं हम लोग आपको, वहाँ से क्वेश्चन अगर ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन होंगे तो वहाँ से कलेक्ट कीजिए, पढ़िए, मैं आपको बताऊँगा स्ट्रेटजी वहाँ पे भी क्या होगी, और करेंट के इवेंट के कुछ क्वेश्चन होंगे, करेंट इवेंट के क्वेश्चन मतलब यहाँ पे जो आपके जनरल नॉलेज से करेंट अफेयर से रिलेटेड हैं या फिर किसी भी डिपार्टमेंट से हो, बस करेंट का इवेंट का नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि अभी जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है वो कहाँ होगा, या ओलंपियाड होने वाला है वो कहाँ होगा, या फिर कोई भी जैसे कि अगर कोई सबमिट हो रहा है वो कहाँ होगा, उसके बारे में करेंट इवेंट्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सिलेबस है आपका इसका जीके का, जीए और जीके का। उसमें देखिए कल्चरल और रिलीजनल दोस्तों आपको यहाँ पे सिलेबस में पढ़ना है, मिट्टी और नदियों के बारे में पढ़ना है, मृदा और नदियों ज्योग्राफी का सिलेबस है, माउंटेन्स के बारे में पढ़ना, पर्वतों के बारे में, पोर्ट्स पढ़ना है, बंदरगाहों के बारे में, इंडियन हार्बर्स के बारे में पढ़ना है, फ्रीडम मूवमेंट के बारे में पढ़ना है, और कुछ स्पोर्ट्स से सवाल भी रहेंगे जैसे कि चैंपियनशिप, विनर, टर्म्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स, डिफेंस, वॉर एंड नेवर्स, इसके जितने भी सवाल पैदा हो सकते हैं यहाँ से। तो ये आपका पैटर्न है किसका, जीके और जीए का, ठीक है, जीके और जीए का ये सिलेबस है आपका, इससे आपका प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इतना नंबर में आपको 30% नंबर लाना कितना आसान है, बिल्कुल आसान है, अगर आप लोग मेहनत अच्छे से कर दें तो ये इसके लिए आप लोग सिलेक्शन होंगे। दोस्तों इसके लिए मैं बुक बताऊंगा आपको, ठीक है, बुक के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा जहां पे बताऊंगा कि कौन कौन से बुक आपको फॉलो करने होंगे इसको पढ़ने के लिए। चलिए कुछ करेंट के टॉपिक पूछे जाएंगे यहां पे दोस्तों प्रीलिम्स में, जो कि इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट से होंगे, अबाउट ऑफ इंडिया से, ठीक है, हेरिटेज एंड द आर्ट्स डांस से होंगे, हिस्ट्री और लैंग्वेज और कैपिटल एंड द करेंसी से होंगी। फिर नेशनल में अगर हम बात करें दोस्तों राष्ट्रीय में, तो यहाँ पे बर्ड्स, एनिमल, स्पोर्ट्स, फ्लावर, एंथम एंड द सॉन्ग, फ्लैग, माउंटेन, एमिनेट और पर्सनालिटीज, कॉमन नेम जैसे कि बहुत सारे लोगों का होता है, ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ एब्रिविएशन, डिस्कवरीज, डिजीज एंड द न्यूट्रिशन, अवार्ड एंड ऑथर, इन सभी टॉपिक से आपको करेंट के भी क्वेश्चन बनेंगे। तो मैं जैसे कि अभी आप लोगों को बिहार दुर्गा का तैयारी भी करा रहा था, उस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, यहाँ भी ये एग्ज़ाम बिल्कुल निकलेगा। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे एएसआई का एग्ज़ाम निकला है और इस बार एएसआई है, तो पेपर का लेवल थोड़ा सा नीचे रहेगा, लेकिन क्वेश्चन वही टॉपिक्स पर रहेंगे जो कि अभी आपको पढ़ाए जा रहे हैं। इन सभी वीडियोज़ पर जो भी करेंट का वीडियो है इस पर मैं आपको स्टैटिक वीडियो देता रहूँगा बीच बीच में, तो आप लोग हमको फॉलो कीजिए वहाँ पर YT एजुकेशन पर, ये सारे टॉपिक आपको स्टैटिक वाले पार्ट में भी दिए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं मेंस के ऊपर जी हाँ, अगर सिलेक्शन होता है आपका 30% मार्क्स लेकर आ जाते हैं, और 30% में नहीं कहूँगा यहाँ पे 70% कहूँगा, क्योंकि नंबर लाइए तभी आपका 133 में सिलेक्शन होगा मेंस के लिए, समझिएगा बातों को, क्योंकि मेंस में 6 गुना ही यहाँ पे रिजल्ट लाया जाएगा, तो
तो 133 को अगर 6 से गुना करेंगे तो लगभग 600 कुछ अभ्यर्थी यहाँ पे आएंगे, लेकिन 600 में आपको आना होगा तो कम से कम 70 अभव मार्क्स लेकर आने होंगे। कट ऑफ हाई रखिएगा तभी जाके एग्ज़ाम भी क्लियर कर पाइएगा, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न देखिए क्या होगा मेंस का, तो ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, रिटेन टेस्ट होगा आपका, ठीक है, यानी कि OMR बेस्ड सीट होगा पेपर वाला, है ना। इसमें टू पेपर होंगे, उसमें भी निगेटिव मार्किंग 0.2 मार्क्स रखे गए हैं, ठीक। चलिए पेपर वन जो होगा दोस्तों आपका 100 नंबर का होगा, बिल्कुल। यहाँ पे जो पेपर वन होगा आपका वो हिंदी का पेपर होगा, जैसा कि आपको बिहार दरोगा के लिए होता है 100 नंबर का हिंदी पेपर है, और 1.5 आवर का ये आपका पेपर होगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा 1.5 आवर का ये पेपर होगा आपका 90 मिनट का। और ये दोस्तों इसमें भी आपको 30% मार्क्स लाने होंगे मेंस में, हिंदी का जो पेपर है इसमें क्या करने हैं आपको 30% लेकर आने हैं आपको, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, पास होना है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। हिंदी के लिए अगर बोलिएगा तो सर हम लोग हिंदी के लिए भी आपको क्लासेस दे रहे हैं, जितने भी मॉक टेस्ट हैं हिंदी के आपके ग्रामर को लेकर या आपके सिलेबस को लेकर, वही सारी चीज़ें वहाँ पे बता रहे हैं हम लोग बिहार दरोगा के। तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ जाके वीडियोज़ देख सकते हैं YT एजुकेशन पे। दोस्तों वहाँ पेपर टू के हम बात करेंगे, मेन ये यहाँ पे यहीं से नंबर उठेगा और यहीं से सिलेक्शन आपका फाइनल होगा। तो देखिए 100 नंबर का ये भी पेपर होना है, जो आपका प्रीलिम्स का पेपर है दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो आपका प्रीलिम्स का पेपर है उस पेपर को आप लोग वहाँ पे भूल जाइएगा, क्योंकि वो मार्क्स आपके जोड़ने वाले नहीं हैं मेंस में। मेंस के लिए जो आप लोग एग्ज़ाम देंगे वो 30% ये आपका हिंदी का, और ये 100 नंबर में कितने नंबर लाएंगे आप लोग ये मायने रखता है। तो ये 30 नंबर लाकर पास होना होगा मेंस में पहला पेपर, फिर दूसरा पेपर आपका चेक होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी 90 मिनट का समय है आपके पास इस एग्ज़ाम को देने के लिए, और सेकेंड पेपर विल बी जनरल स्टडी, जनरल साइंस, सिविक्स, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी, यानी कि यहाँ पे रीजनिंग से भी क्वेश्चन रहेंगे। तो ये मेंस का सिलेबस है। प्रीलिम्स निकालने के बाद आप लोग जब मेंस में आएंगे तो हिंदी पेपर पास कर लीजिएगा कम से कम 30 नंबर लाके, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ये आपका मेंस का सिलेबस है, जिसमें जनरल स्टडी में हम लोग क्या पढ़ेंगे तो देखिएगा, देखिए जनरल हिंदी भी है यहाँ पे, तो ये हिंदी वाला तो मैंने सिलेबस बता ही दिया है, आगे उसमें जान लीजिएगा जो कि मैंने आपको बिहार दरोगा के लिए बताया था, सेम सिलेबस है, यही सिलेबस यहाँ भी है। तो जनरल हिंदी के लिए है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जैसे कि पर्यायवाची और यहाँ पे समानार्थी शब्द जो पूछे जाते हैं वो हैं, कुछ सेंटेंस एरर से क्वेश्चन होंगे जो कि मैं आपको दे रहा हूँ अभी भी फिलहाल हिंदी के क्लासेस में, सेंटेंस करेक्शन हो गया और फिल इन दी ब्लैंक्स भी पूछे जाएंगे, एक पैरा दे देगा, पैरा में कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स रहेंगे उसको भरना पड़ेगा सही सही शुद्ध हिंदियों से, ठीक है। शुद्ध वर्ड भी पूछेगा, अशुद्ध वर्ड भी पूछेगा, ठीक है। ग्रामर का पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, ठीक है, तो ग्रामर जरूर पढ़ते रहिएगा रेगुलरली आप लोग। दोस्तों यहाँ पे अगला है कि कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, एक देखिए कॉम्प्रिहेंशन भी रहेगा और उसके साथ साथ कुछ क्लोज टेस्ट रहेंगे। क्लोज टेस्ट में क्या होगा, ऐसे जैसे कॉम्प्रिहेंशन क्या होगा, एक पूरा पैराग्राफ दे दिएगा, उसके ऊपर कहानी दे देगा, उस कहानी के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन दे देगा, उसमें भी सारी चीज़ें पूछेगा। और क्लोज टेस्ट क्या होगा, तो शॉर्ट या संक्षिप्त एक कहानी देगा, छोटा सा एक, मतलब 4 या 5 लाइन का, और उसके बेस्ड पे कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ एरर वाला कुछ, ठीक है, ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चन रहेंगे। तो ये टॉपिक भी आपको करा देंगे हम लोग, ठीक है, ये हिंदी का पार्ट है सब, ठीक है। अब चलते हैं जनरल स्टडी में, यानी कि जो सेकंड पेपर है उसमें। तो जनरल स्टडी में दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी और पॉलिटी है, ये तीनों मेन टॉपिक है जिससे कि आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं, जो कि आप लोग रेगुलर पढ़ते हैं हमेशा किसी भी एग्जाम के लिए, यही सिलेबस आपको हर एग्जाम में होता है। इंडियन हिस्ट्री पढ़ते नहीं है क्या, कल्चर पढ़ते हैं ना, ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, एनवायरमेंटल पढ़ते हैं ना, यही सारे क्वेश्चन सिनारियों का पूरा यहाँ पे क्या है, टॉपिक है। तो ये देख लीजिए इंडियन हिस्ट्री जो पढ़ना है आपको, ये आपको तीनों पढ़ने होंगे इंडियन हिस्ट्री में, मतलब एशियंट, मिडविन और जो अभी लेटेस्ट था, ठीक है, आधुनिक वाला वो भी पढ़ना है। कल्चर में, कल्चर भी भारत की कल्चर, भारत के पड़ोसी मुल्क की कल्चर, ठीक है, सांस्कृतिक से, ठीक। ज्योग्राफी से भारत का इतिहास, भारत का ज्योग्राफी पढ़ना है और खासकर उसमें बिहार का ज्योग्राफी भी पढ़ना है, ठीक। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में आपको अगर भारत की बात करें तो उसके पड़ोसी मुल्कों की भी बात करेंगे, एशिया की बात करेंगे और वर्ल्ड लेवल पे भी बात करेंगे। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में भारत की इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड बैंक की इकोनॉमिक्स और जिससे भी भारत का संबंध है, भारत के जितने भी मुल्क से साथ संबंध है उनकी इकोनॉमिक्स पे हम फोकस करेंगे तो हम यहाँ से क्वेश्चन उठा पाएंगे, ये टॉपिक हुए। फ्रीडम फ्राइडम मूवमेंट, तो फ्रीडम फ्राइडम मूवमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी तक रहा है, जैसे कि भारत का है ना, 1947 से भारत आज़ाद हुआ था, उससे पहले जितने भी आंदोलन हुए या फिर उसके लिए जितने भी आंदोलन किए गए, या फिर ऐसे फ्रीडम फाइटर
फ्रीडम मूवमेंट जो कि दूसरे देश के भी हैं और बहुत विख्यात है, बहुत फेमस है, तो उनको भी हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, कुछ मेजर फीचर पढ़ने अपने को इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में, नेचर ऑफ रिसोर्सेज और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पॉलिटी के बारे में, पंचायत राज व्यवस्था के बारे में जो कि मैं आपको पॉलिटी में पढ़ाऊंगा, है ना, पॉलिटी के क्वेश्चन दूंगा अलग अलग से, ये सारे टॉपिक पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड द 5-year plan के बारे में भी बताया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोगों को बस एक ही काम करना है यहाँ पे दोस्तों, कि हमारे साथ जुड़िए और लोगों को जोड़िए ताकि ये सारे क्यूज आपको स्टार्ट किए जा सके। आपको इसके बेस पे ये देखिए, ये सारा अभी कराया जाएगा, ये सिलेबस जो है ना, ये आपका बिहार दरोगा का भी सिलेबस है, बिहार बीपीएससी का भी सिलेबस यही है लगभग। ठीक है, अगर देखा जाए तो बस लेवल क्वेश्चन के थोड़ा सा अलग अलग होंगे, वो मैं आपको कराता रहूँगा बीच बीच में। जनरल नॉलेज ऑफ ज्योग्राफिक एंड द पॉलिटी ऑफ बिहार, बिहार से भी क्वेश्चन बनते हैं इस एग्जाम में, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। साइंस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीन ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ से ये आपके सिलेबस रहेंगे दोस्तों। और इनमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे ये मैं आपको बताता रहूँगा। साइंस का बहुत क्वेश्चन जैसे रहता है, 10 से 15 क्वेश्चन रहते हैं साइंस के, लेकिन वो बहुत सटीक और वही सेम क्वेश्चन रहते हैं ऐसे कि जो कि एग्जाम में पूछे गए रहते हैं ज़्यादातर, है ना, वही क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं ऐसे एग्जाम में। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूंगा क्वेश्चन जब दूंगा तो। मैथमेटिक्स की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मेंस का पेपर में मैथमेटिक्स होगा सेकेंड पेपर में, सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, बहुत ईजी है, एवरेज भी बहुत ईजी है, परसेंटेज ये थोड़ा सा चैप्टर आप लोगों को देखना होगा क्योंकि इसी पे बेस्ड है पूरा चैप्टर, पूरा मैथ्स पूरा समझिए तो बेस्ड है। ठीक है, टाइम एंड वर्क एरिया पढ़ना है, कुछ क्षेत्रमिति के पार्ट आपको एरिया पढ़ने होंगे, प्रॉफिट लॉस अलग से पढ़ना है और SICI भी अलग से आपको पढ़ना है, टाइम स्पीड और इन्वेस्टमेंट ये भी पढ़ना है थोड़ा सा, ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा टफ है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन एक ही रहेगा, ये दो ही रहेगा। ठीक है, HCM और LCM और HCF पढ़ना है, प्रॉब्लम ऑन एज ये भी ईजी है, ये जो टॉपिक है आपका बार एंड ग्राफ और पिक्टोरियल ग्राफ ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में मैं बता दूंगा कहाँ से आपको टॉपिक आता है, ज़्यादा इजी है, कोई टफ नहीं है। पाई चार्ट के ऊपर भी डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन रह सकता है, तो इजी रहेगा बहुत ही, 4 क्वेश्चन इस पर रहेगा, कोई भी पाई चार्ट दे देगा, बोलेगा कि इसके ऊपर क्वेश्चन बना के दे देगा 4 और उसको आपको आंसर करना होगा, तो इस तरह के भी क्वेश्चन करा देंगे हम लोग। ठीक है, रीजनिंग की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे ये सारे टॉपिक हैं जैसे कि एनालॉजी, सिमिलरिटी, डिफेंस, स्पेस विजुलेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट वाला क्वेश्चन रहेगा, विजुअल मेमोरी वाले क्वेश्चन रहेंगे, ये बहुत इजी टॉपिक है, बहुत हल्का आता है क्वेश्चन, इतना टफ जैसे नाम सुनने में दिख रहा ना, ये बहुत इजी क्वेश्चन रहेंगे, देख कर ही आप सॉल्व करेंगे, एक इसके 2-3 सेट अगर आप लोग कर लेंगे ना बिहार कांस्टेबल वाला भी, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक है आपके दोस्तों किससे, तो मेंस के इन पेपर से। अब रही बात दोस्तों यहाँ पे हिंदी श्रुति लेखन यानी कि स्टेनो के, क्योंकि देखिए जो आपका जो पोस्ट है वो स्टेनो ASI का है ना, स्टेनो यानी कि श्रुति लेखन, ठीक है, यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है वो स्टेनो का है, इसलिए हिंदी में आपको डिक्टेशन करना आना चाहिए 5 मिनट का, वो भी स्पीड कितना होना चाहिए 80 वर्ड पर मिनट का, 5 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा दोस्तों, ये यहाँ पे लिखा गया है 5 मिनट का एग्ज़ाम होगा, 80 वर्ड पर मिनट स्पीड होना चाहिए, इट विल बी गिवन द 20 मिनट मोर टाइम टू बी टाइपिड, यानी कि इस आपको यहाँ पे 20 मिनट का समय भी दिया जाएगा लेकिन आपका स्पीड क्या होगा, तो 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, 5 मिनट तक आपको राइटिंग करने हैं और इसका अंतराल दे देकर हर बीच में आपको 20 मिनट तक का एक टॉपिक लिखना होगा। ठीक है, देयर शुड बी नो मोर देन 10% मिस्टेक टू पास द टाइपिंग टेस्ट, ठीक है, और 10% भी से अगर आपका नीचे रहा बिलो, मतलब कि टाइपिंग का स्पीड देखा गया और सही सही लिखने का जो तरीका है, लिखने का जो वर्डिंग है वो आपने सही लिखा तो ही आप सिलेक्ट कर पाएंगे, लेकिन 10% से नीचे रहें आप तो आपको यहाँ से बाहर किया जा सकता है। टंकन जांच, देखिए टंकन जांच आपका कंप्यूटर पे टेस्ट होता है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड, तो यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में टाइपिंग टेस्ट होगा, 30 वर्ड पर मिनट होगा आपका जो कि 200 वर्ड लिखने होंगे और 10-10 मिनट का आपका ये टेस्ट होगा। टू द पास द 5% हिंदी टाइपिंग एंड द 10% ऑफ द इंग्लिश टाइपिंग, 5% मार्क्स लेकर आ गए अगर आप लोग तो आपका यहाँ सिलेक्शन होगा, और हिंदी में और इंग्लिश के लिए 10% मार्क्स, ठीक है, 10-10 मिनट का आपका ये टाइपिंग टेस्ट होगा, 200 वर्ड लिखने हैं, ठीक है, और 30 वर्ड पर मिनट का स्पीड देखा जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक, तो ये टंकन जांच का सिलेबस हो गया, तो आप अब यहाँ से कोई क्वेश्चन अराइज करना होगा तो सोचिएगा, है ना, मैंने सारा डिटेल यहाँ पे बता दिया है। अब कंप्यूटर नॉलेज की एक बात करें तो कंप्यूटर नॉलेज में आपको क्या होना चाहिए, MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए बस, और इंटरनेट चलाने आना चाहिए, तो वो तो आता ही होगा आप लोगों को।
एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से क्वेश्चन रह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज आपका जो होगा कब पूछा जाएगा, जब आपका टंकन जांच होने के बाद, ये कंप्यूटर नॉलेज का आपको ज्ञान पूछा जाएगा वहाँ पे। सर्टिफिकेट बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्या किसी का सर्टिफिकेट चाहिए, तो कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपको बस नॉलेज होना चाहिए एमएस ऑफिस का, इंटरनेट का, बस यहाँ पे यही कहा गया है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा मैंने सिलेबस जो है आप तक शेयर किया है, वीडियो बहुत लंबा हो गया है इसलिए क्षमा कीजिएगा, लेकिन सारा सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बताया, स्ट्रैटेजी भी बीच बीच में बताता रहा आपको, और हर वो सिलेबस के बारे में टॉपिक पे डिस्कशन कर दिया। चलिए आज के लिए इतना ही, और कोई डाउट होता है तो बताइएगा, मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगा इसके लिए, जो कि बुक के रिगार्डिंग होगा, बुक बता दूंगा कौन कौन से पढ़ना है, फॉलो करना है। धन्यवाद, बाय बाय।